रसायन विज्ञान 2024 के संपूर्ण सेट का हल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो देखिए, आपके सामने 2024 347 GA सेट का एक प्रश्न है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल और जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो सवाल आपके सामने है, 46 ग्राम एथेनॉल 54 ग्राम जल में घोला गया है, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो आप क्या करेंगे इस सवाल में, क्योंकि आप जानते हैं मोल अंश का मतलब होता है मोल प्रभाज, मोल अंश का मतलब होता है मोल प्रभाज। आपसे मोल प्रभाज पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, एथेनॉल का भी पूछ रहा है, जल का भी पूछ रहा है। तो एथेनॉल को जल में घोला गया है, मतलब एथेनॉल विलेय है, और जो आपका जल है वो विलायक है। याद रखिएगा, एथेनॉल विलेय और जल विलायक। तो आप जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन मानते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को हम कैपिटल एन मानते हैं। तो आप पहले विलेय के लिए हल करिए, विलेय कौन है, एथेनॉल। तो एथेनॉल की मात्रा कितनी दी गई है, जरा आप देखिएगा, एथेनॉल की मात्रा W इज इक्वल 46 ग्राम। उसके बाद आप निकालेंगे एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान, जरूरी है निकालना, क्योंकि आपको मोल प्रभाज का फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब आप विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है एन अपॉन एन प्लस एन, अगर आप विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है एन अपॉन एन प्लस एन, जहाँ स्मॉल एन है विलेय का मोल प्रभाज और कैपिटल एन है विलायक का मोल प्रभाज। तो आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा एथेनॉल, फॉर्मूला C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान m बराबर कैसे निकालेंगे आप, जरा देखिएगा। आपको दो कार्बन उसमें दिखे तो दो गुणे कार्बन का परमाणु भार कर देंगे, छः हाइड्रोजन दिखे, छः गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कर देंगे, एक ऑक्सीजन दिखा, एक गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कर देंगे, हो जाएगा। तो आइए, दो गुणे कार्बन का परमाणु भार आप जानते हैं 12, और छः गुणा हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1, और ऑक्सीजन का एक गुणा जानते हैं कितना, 16। तो 12 दुना 24, 6, 16, टोटल आ गया 46। इसलिए एथेनॉल का मोल निकाल देंगे हम लोग, एथेनॉल का मोल। एथेनॉल है क्या आपका, देखिएगा, एथेनॉल विलेय था तो इसका मोल स्मॉल एन, फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन एम, 46/46 इज इक्वल 1 मोल। उसके बाद देखिए, यही काम आप विलायक अर्थात जल के लिए करिए, जल के लिए। तो जो जल है उसकी मात्रा कितनी दी गई है, विलायक है तो विलायक को हम W डैश मानते हैं, जल की मात्रा कितनी दी गई है, 54 ग्राम। तुरंत निकालिए जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान m इज इक्वल कैसे निकालते हैं, देखिए हाइड्रोजन दो दिख रहा है ना, तो दो गुणा हाइड्रोजन कर दीजिएगा, तो दो गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो दो गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और ऑक्सीजन का 16, टोटल आ जाएगा 18। इसलिए इसका भी मोल निकाल दीजिए कैपिटल N, क्या हो जाएगा, W डैश अपॉन M डैश, इसको यहाँ पे M डैश कर दीजिएगा, तो 54/18 इज इक्वल 3 मोल। अब आप आराम से निकाल दीजिए, किसका निकालेंगे, पहले एथेनॉल का निकाल दीजिए, एथेनॉल का मोल। तो एथेनॉल का मोल क्या होगा आप बताइए मुझे, एथेनॉल विलेय है तो विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला, मोल प्रभाज को मोल अंश बोलते हैं याद रखिएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन n प्लस n, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 3,
1/4 काट देंगे, 0.25 ये आ गया एथेनॉल का मोल अंश। उसके बाद निकाल दीजिए आप जल का मोल अंश। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका निकालते हैं उसका मोल ऊपर रखना है और बाकी जोड़कर नीचे रखना है। तो ऊपर आ गया 3/1+3 मतलब 3/4 काट देंगे, 0.75 ये हो गया आपका आंसर। तो आपको अगर सवाल समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।